क्या हाल है दोस्तों, दिस इज शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्डी राइडर। तो देख सकते हैं पीछे मेरी बाइक खड़ी है लाल परी। तो आज हम इसकी सीट के मॉडिफिकेशन के लिए आए हैं यहाँ पे गणेश सीट। एक्चुअली पुणे में हूँ मैं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करने आया हूँ सीट पे। थोड़ा पेनफुल होता है लॉन्ग राइड्स पे, तो उसी के लिए मैंने सोचा थोड़ा ब्रॉड करते हैं सीट को। तो वीडियो शुरू से करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आज हम आए हैं थोड़ा अपनी बाइक की सीट का मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये मेरी बाइक अपाचे 164V, लाल परी बोलता हूँ मैं इसको। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए मैं लाया हूँ, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा बम्पे, आपको मालूम है लॉन्ग राइड पे क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसको थोड़ा हम साइड से चौड़ा कर रहे हैं, जिससे थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाएगा ये लॉन्ग राइड्स के लिए। तो अब इसका कवर रिमूव किया है और एक्स्ट्रा फोम लगा रहे हैं साइड पे। ये मार्किंग देख सकते हैं, मार्किंग पे हमको एक्स्ट्रा फोम लगाना है दोनों साइड से। तो दोनों साइड फोम लग जाए, अब देखिए एक थोड़ा ब्रॉडनेस इसका बढ़ गया, अभी समझ में नहीं आया, एक बार कवर लग जाएगा उसके बाद समझ में आएगा। विकास का सीट को मस्त शेप दे रहे हैं, शेप देने के बाद और मस्त लगेगा देखने को। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए तो शेप लेने लगी है। अभी एक और फोम का कोटिंग लगा रहे हैं इस पर, जो है पतला वाला आधा इंच का फोम, जो सॉफ्ट फोम है। उसके बाद एकदम सीट रेडी हो जाएगा, कवर लगा देंगे इसको। अभी फाइनली इस पर कवर लगाने वाले हैं, मेजर करके कटिंग करके कवर लगाएंगे, इसके बाद सीट हो जाएगा रेडी। चलो कवर लगने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है सीट, काफ़ी ब्रॉड हो गई अभी। अभी एक लॉन्ग राइड के बाद ही समझ में आएगा कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है सीट लगने के बाद। इसका जो कॉस्ट आया मुझे आ रहा है 600 रुपीज़। इसमें सर ने कवर भी लगा के दिया, जो कवर था ये भी न्यू है, और फोम भी एक साइड में जो हार्ड वाला फोम है वो, और ऊपर से एक लेयर है वो सॉफ्ट वाला, तो ये सब करके दिया। तो 600 चार्ज लिया मुझे, जो एकदम रीजनेबल लगा कि हाँ चलो ठीक है, इतना तो करना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम एयर सीट भी लेते हैं उसका भी कॉस्ट 2-2500 होता है, तो उसके हिसाब से तो 600 ठीक ठाक ही अमाउंट है, और काफ़ी कम्फर्टेबल लगा मुझे चला के आया था मैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको जानना है सीट का रिव्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।